वेलकम टू स्टोन नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, सर्वप्रथम मैं सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य को यह महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही उन सब माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लेकिन सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि संस्कृत और कंप्यूटर के प्रश्न की अपेक्षा इस विषय पर अधिक व्यापक चर्चा हुई है। इसके अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं पर संस्कृत के प्रश्न पर आयुर्वेद, नक्षत्र विज्ञान, बीजगणित, ज्यामिति और प्राचीन काल से अर्जित संपूर्ण ज्ञान पर चर्चा हुई है और मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की चर्चा पर न सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों द्वारा भी विचार किया जाना चाहिए। अब मैं यह कहना चाहूँगा कि तारांकित प्रश्न जिसका उत्तर मैंने दिया है और विशेष रूप से जिसमें संस्कृत और कंप्यूटर के उपयोग पर चर्चा की गई है के कारण यह चर्चा शुरू हुई और इसलिए इस अवसर पर पूरक प्रश्नों का जो उत्तर मैंने दिया है उसका एक बड़ा भाग इस प्रश्न विशेष से संबंधित है और मैं इस विषय से ही शुरुआत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें यह बात स्वीकार करनी है कि हमारे यहाँ अनेक भाषाएँ हैं और वर्षों से जिस प्रकार से भाषाएँ सिखलाई जा रही हैं उसे नई प्रौद्योगिकी से लाभ पहुँचा है। हम इस बात से भिज्ञ हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले यदि आप कोई भाषा सीखना चाहते थे तो आपको उस जगह, उस देश, उस क्षेत्र में जाकर और वहाँ के लोगों से उसे सीखना पड़ता था। आप उस भाषा को कक्षाओं में सीखते थे लेकिन आज आप प्रक्रियाओं के अनुक्रमण द्वारा जिसमें पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड सम्मिलित था, फिर कैसेट, वीडियो आदि द्वारा आप स्वयं उस प्रकार का वातावरण बना सकते हैं और इस प्रकार न केवल शब्दों और व्याकरण के संदर्भ में बल्कि आप उस व्यक्ति के समान वह भाषा सीख सकते हैं जिसकी यह मातृभाषा है। इसलिए इस संदर्भ में शिक्षा संबंधी तकनीकों में विकास हुआ है। इसी अर्थ में मैंने पहले किए गए प्रश्न और उसके उत्तर में संस्कृत सीखने और पढ़ाने में कंप्यूटर के उपयोग का उल्लेख किया था। यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। इस संदर्भ में पहले ही मैं विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ, अतः मैं फिर से इसकी चर्चा नहीं करूँगा। महोदय, अब मैं दूसरे पहलू की चर्चा
करना चाहूँगा जो कि कुछ भिन्न है, और वह माननीय सदस्य द्वारा सामान्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से कंप्यूटरों के उपयोग से संबंधित विषय के संदर्भ में है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया था कि उदाहरण के लिए यदि कंप्यूटरों को सिर्फ अंग्रेजी भाषा के इनपुटों और आउटपुटों से ही संचालित किया जा सकता है तो देश में इसका इस्तेमाल बहुत सीमित हो जाता है। सिर्फ वे लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, और देश में अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं जानने वाले हैं। उन्होंने यह प्रश्न किया था कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों जैसे कंप्यूटर आदि को हमारे संविधान में प्रस्तावित सभी भाषाओं के अधिकतम लोगों को उपलब्ध कराकर किस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। और यह हमारे कार्य का दूसरा पहलू है। अब तक जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस देश में कंप्यूटर के उपयोग में अंग्रेजी के कीबोर्ड का उपयोग होता है, जिसका अर्थ है कि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में निवेश हेतु तथा जानकारी प्राप्त करने हेतु अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अब इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस रूपांतर में सफलता भी मिली है, जिसका अर्थ है कि अब इस प्रकार के कीबोर्ड बनाए जाएंगे जो कि केवल अंग्रेजी में ही नहीं होंगे बल्कि वे किसी भी भारतीय भाषा या देवनागरी लिपि में उपलब्ध होंगे, और अन्य भाषाओं जो कि देवनागरी लिपि में नहीं हैं जैसे तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि में भी उपलब्ध होंगे। इसका दूसरा पक्ष भी है, अर्थात यदि कोई केवल तमिल जानता है या केवल कन्नड़ जानता है या केवल मलयालम जानता है या केवल गुजराती जानता है और वह कंप्यूटर का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर पाएगा। अब किस प्रकार वे अपनी भाषा में कंप्यूटर में निवेश करेंगे और परिणाम प्राप्त करेंगे, यह एक दूसरे प्रकार का कार्य है जिसमें बहुत ही उन्नत तकनीक की आवश्यकता है, और इस अर्थ में इसकी आवश्यकता है कि आप कोई भी आंकड़ा कंप्यूटर में भर सकते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में हो रहा है। स्टॉप। अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।